ठीक है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं? क्या होते हैं? जब भी हम किसी के बारे में कोई बात बताते हैं, ठीक, कोई चीज़ कैसी है, अच्छी है, खराब है, सुंदर है, किसी के बारे में अगर तुम्हें बताना है एप्पल के बारे में तो तुम क्या बताओगे एप्पल के बारे में? एप्पल कैसा है? लाल। लाल है, ठीक है, ये एक डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया रेड। और क्या बताओगे? मीठा है, स्वीट। मैंगो के बारे में क्या बताओगे? मैंगो कौन से कलर का है? ऑरेंज कलर का है या येलो कलर का है? ठीक, अच्छा, खाने में कैसा है? मीठा, स्वीट। तो ये सारे आप जो बता रहे हो ये सब हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ये सब क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ठीक है। तो आज हम इसमें पढ़ रहे हैं जितने भी डिस्क्राइबिंग वर्ड हैं। तो आप कैसे हो, मोटे हो या पतले हो? पतले हो, ठीक है। तो आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड है कि अनिकेत जो है वो पतला है, ठीक है ना? ठीक है, तो अगर हम कोई कलर की बात कर रहे हैं या हम किसी की लुक्स के बारे में बात करें कि भाई मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, सुंदर है, कैसा है, ठीक, अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई चीज़ कितनी है, 2 है 3 है 4 है 5 है, या हम बात कर रहे हैं किसी शेप के बारे में, तो ये सभी होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, एडजेक्टिव बोलते हैं इनको, ठीक है। अभी इनके बारे में मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगी, मुझे करके दिखाना, सर्कल करने हैं बस, आपको बताना है कि पूरे सेंटेंस में डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हो गया ऑब्जेक्टिव्स? ओके, राइप, जूसी, बिल्कुल सही, 7, बास ऑफ द बाग इज ग्रीन, सॉफ्ट, दीपक, बॉट अ ब्लैक बाइक, डार्क, क्लाउडी, ब्रिज वॉज नैरो, गुड, रेड इन कलर, कलर नहीं बेटा इसको नहीं करेंगे, कलर का नाम है ना इसको करना, लिटिल चिल्ड्रन, ठीक है, रिंकी हैज एन आइसक्रीम, कशिश सिंग्स, कशिश जो है ना बेटा ये नाउन है, ये किसी का नाम है ना, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है। स्वीट कैसा गाया? बहुत सुंदर गाया, स्वीट गाया, तो ये जो है ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है, ये नाउन। देखो अगर वर्ड प्रॉब्लम पहले कभी नहीं करे तो आज देखो बिल्कुल सीख जाओगे, कुछ भी नहीं होता है इसमें, प्लस करना आता है ना, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि इसमें हमें ऐड करना है, ठीक है, प्लस करना है। क्या चीज़ देखनी होती है? देखो, सैम बॉट 2 बैग, सैम ने 2 बैग खरीदे, कितने बैग खरीदे? 2। दे कॉस्ट, अब कितनी कॉस्ट थी, यानी कि कितने रुपए के थे, वो जो 2 बैग खरीदे उनकी कॉस्ट क्या थी, कितने में खरीदे? एक इतने में खरीदा और एक इतने में खरीदा, ठीक है, 2 नंबर आ गए आपके पास प्लस करने के लिए। हाउ मच डिड ही पे इन ऑल फॉर द 2 बैग्स, अब उसको टोटल मतलब कितना पे करना पड़ा, यानी कि टोटल कितने पैसे देने पड़े। अब सपोज आपने 2 चॉकलेट खरीदी, 1 10 रुपए की, 1 5 रुपए की, तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे दुकानदार को? 15, है ना। कैसे पता चला? आपने क्या किया? प्लस किया, तो इसमें भी हमें प्लस करना है, ठीक। प्लस करने के लिए अब देखो वर्ड प्रॉब्लम में ना थोड़ा सा क्वेश्चन में से लिखना होता है, कुछ कुछ चीज़ें क्वेश्चन में से लिखनी पड़ती हैं, जैसे सैम बॉट 2 बैग्स, ठीक है, अच्छा, फिर कॉस्ट यानी कि कितने के बैग थे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 2 बैग्स, दोनों बैग्स की कॉस्ट क्या थी, कितनी है? 2837, यानी कि 2837, तो पहले हम लिख देंगे 2837, दूसरा है 1845, अब इनको हमें क्या करना है? प्लस, और वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ठीक। अब एक चीज़ और करनी होती है, प्लस करने के बाद जो हमारा आंसर आता है ना उसको कैसे लिखना होता है, उसको लास्ट में जो हमसे पूछा होता है ना इसी लाइन को लिखना होता है, यहाँ से देखो, हाउ मच डिड, ये नहीं लिखना, ही पे इन ऑल फॉर द 2 बैग्स, बिल्कुल यही कि यही सेम टू सेम लाइन हमें यहाँ पे लिखनी है, ठीक है, हाँ ये पूरा ही से, ठीक, ही
पे इन ऑल फॉर द टू बैग्स। ठीक, अब जो भी आपका यहाँ आंसर आएगा उस आंसर को आपने यहाँ पे नोट कर देना है, बस इतना आसान होता है वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसे ही एक और करवाऊंगी, फिर थर्ड आप कर लेना खुद से। ठीक, ये तो मैंने बता दिया, ये आपने बिल्कुल ठीक करा है। और ये वाला ठीक है, यहाँ पे लिखना था लास्ट में उन्होंने पूछा था टोटल पॉपुलेशन इन अ टाउन, है ना, तो हमें यहाँ पे लिखना है टोटल पॉपुलेशन। ठीक, ये है, जबकि आपने ये लिखा है ये भी ठीक है। ठीक है, फर्स्ट टाइम के हिसाब से अच्छा किया है, गुड। आगे और करके दिखाओ।